स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी है, धसका है और आपको सांस लेने में ऐसा महसूस होता है कि अंदर से गला छिल गया है, तो दोस्तों ये उपाय आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये बहुत ही लाभकारी उपाय है दोस्तों। ये बनाना भी आसान है और इसकी सारी सामग्री आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग आधा से एक चम्मच काली मिर्च ली है। इन काली मिर्च को मुझे पहले पीस लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं काली मिर्च पीसने के बाद कुछ ऐसी लग रही है और लगभग ये एक चम्मच काली मिर्च हो गई है। तो दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। अब दोस्तों, बारी है इसमें हनी यानी शहद मिलाने की। दोस्तों, अगर आपको देसी शहद मिल जाए तो सोने पे सुहागा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक चम्मच काली मिर्च के लिए हम यहाँ पर दो चम्मच हनी यानी शहद मिला देंगे। लगभग एक चम्मच हो गया और अब ये दूसरा चम्मच। तो दोस्तों, अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अभी थोड़ा गाढ़ा है, लगता है इसमें काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम थोड़ा सा और इसमें शहद मिला लेंगे। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये एक हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, इसको सेवन कैसे करना है, कैसे इसको लेना है, बहुत ही आसान है। दिन में दो से तीन बार आपको इसमें इस प्रकार से उंगली डाल के और इसको चाट लेना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप इसको उंगली से ही चाटें, आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह का भी सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना जितना कि आप देख पा रहे हैं, लगभग इतना। दिन में दो से तीन बार आप इसका सेवन कर लीजिए। दोस्तों, आपको बहुत ही जल्द आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा और आपका जो गला है वो भी पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि सांस लेने पे आपको तकलीफ़ होती है और आपका सांस भी फूल रहा है, तो आप कृपया जाकर डॉक्टर से अपनी जांच करा लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए, और अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होती है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।